मतलब जो समाज बताता है कि आपको कुछ बनना है, आपको पढ़ के कलेक्टर बनना है, आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो काम करना है, वो सब व्यर्थ की बातें होती है। अगर वो काम की बातें होती ना तो आदमी उनको करके संतुष्ट होता। न जानवरों को अध्यात्म चाहिए, न पक्षियों को चाहिए, न कीट पतंगों को चाहिए, किसी को भी अध्यात्म नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मनुष्य है ना, ये इस प्रकृति में फंस गया और इसे अध्यात्म चाहिए। हम जो चीजें सीखते हैं ना तो उसे हम सोचते हैं कि रास्ते पे चलते चलते या ऐसे ही इसे सीख जाएंगे, तो ये ऐसा संभव नहीं होता। जब तक वो हमारे दिमाग के अंदर सही तरीके से नहीं घुसेंगी चीजें, तब तक वो असर नहीं करती है। भले हम कितना भी सुन लें, लेकिन जब तक हमारे माइंड में वो घुसती नहीं है, जब तक क्लिक नहीं हो जाती, तब तक उनका असर नहीं होता, है ना। तो इसलिए हमें इसे थोड़ा समय लेके और पेन कापी लेके बैठना चाहिए और चीजें जो समझाई जा रही हैं उन पे मनन भी करना चाहिए कि ये चीजें क्या है, और जो ना समझ में आए उसे पूछना भी चाहिए। जैसे कि अभी आज हम बात करेंगे संबंधों के पीछे की प्रकृति। मतलब हर चीज प्राकृतिक है, हम सभी जानते हैं, है ना। तो हमारे संबंध भी प्राकृतिक होते हैं और ये चीजें हम समझते नहीं है और हम इन्हें सोचते हैं कि ये हमारे हिसाब से चलेंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और यहाँ पे आपको देखना है और पेन कॉपी रखना है, और जो चीजें यहाँ नहीं समझ में आ रही तो लास्ट में आपको पूछना है कि क्या चीज नहीं समझ में आ रही और इन्हें कैसे समझना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संबंधों के पीछे की प्रकृति है, ध्यान से समझिएगा जो मैं पढ़ती जा रही हूँ, एक एक शब्द को अप्लाई करना है अपने जीवन में, है ना। तो जो प्रश्न करता है आपकी ही तरह प्रश्न करता रहते हैं जो ये सवाल करते हैं, तो जैसे आपका सवाल होता है वैसे इनका भी सवाल होता है। इनका सवाल है, मुझे एक सुंदर रिश्ते को बनाने का अवसर मिला था परंतु वो रिश्ता बन नहीं पाया, जिसका मुझे अफसोस है। ऐसा क्यों होता है कि हम रिश्ते बनाना चाहते हैं और उनसे उम्मीदें रखते हैं? ये ज्यादातर हम सभी के सवाल होते हैं, है ना। तो इनको समझना है कि रिश्ते शुरू तो सब प्रकृति से ही होते हैं। इस चीज को हमें समझना है कि जितने रिश्ते शुरू होते हैं वो प्रकृति से ही शुरू होते हैं। जीव का जो पहला संबंध होता है वो भी पूरी तरह से प्राकृतिक ही होता है। माता पिता की कोशिकाओं के रिश्ते से ही जीव की शुरुआत होती है। फिर जो उसका अगला घनिष्ठ रिश्ता बनता है वो बनता है माँ से। वो भी पूरी तरह से शारीरिक ही होता है। वास्तव में वो शरीर के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। मतलब जो माता का रिश्ता होता है वो शरीर का ही रिश्ता होता है, कि हम माँ के गर्भ में होते हैं और माँ के गर्भ में जो भी हमारे साथ प्रक्रिया होती है वो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए होती है, ठीक है। तो प्रकृति जीव को संबंधित देखना चाहती है। मतलब ये प्रकृति है कि संबंध बने और एक ही जैसे और नए नए जीव जन्म लें, इसीलिए संबंध होता है। लेकिन उस पूरी संबंधों की व्यवस्था में कहीं भी जीवन के उच्चतर मूल्य निहित नहीं होते। मतलब प्रकृति को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊंचाई पे जाए या नीचे गिरे या कुछ भी हो, प्रकृति तो चाहती है कि बस आपका शरीर चलता रहे, ठीक है। तो बच्चा माँ के गर्भ में है, बच्चा माँ के गर्भ में है, संबंधित तो है ही, उस संबंध के अलावा उसका जीवन ही कुछ और नहीं है। लेकिन वो संबंध किस लिए है? वो बस शरीर के भरण पोषण और विकास भर के लिए है। मतलब माता से रिश्ता क्या होता है कि ये शरीर का भरण पोषण हो सके और विकास हो सके। उस संबंध में कभी भी कोई उदात्तता, आनंद, करुणा, किसी भी तरह की ऊंचाई तो है ही नहीं। यही शुरुआत जीवन भर कायम रहती है। हर जीव, हर व्यक्ति रिश्ता बनाने को आतुर रहेगा ही रहेगा और रिश्ता बनाएगा ही। लेकिन रिश्ता बनाने का जो आवेग उठेगा, रिश्ता बनाने की जो आंतरिक प्रेरणा उठेगी, वो सर्वप्रथम प्राकृतिक माने शारीरिक केंद्र से ही उठेगी। ये तथ्य है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से प्यार है, हमें उससे मोह है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, हम उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति हमें इग्नोर कर रहा है, कोई व्यक्ति हमें भाव नहीं दे रहा है, कोई व्यक्ति हमें समझ नहीं रहा है, तो ये सारी चीजें बातें हम कहाँ से करते हैं? भावनाओं की। जबकि बात भावनाओं की नहीं होती, बात शारीरिक होती है, क्योंकि इस शरीर को जरूरत है संबंध की। और ये प्राकृतिक है, ये तथ्य है, ये सत्य है कि ये सिर्फ मनुष्य के साथ नहीं होता, ये प्रकृति में हर किसी के साथ होता है। फूलों के साथ होता है, जीवों के साथ होता है, पक्षियों के साथ होता है, पेड़ों के साथ होता है। मतलब ये संबंध हर जगह स्थापित होते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें कोई भावनात्मक प्रक्रिया है और हम इसे भावनात्मक समझ लेते हैं और इसीलिए हम दुखी होते हैं। इसे ये समझना है ये प्राकृतिक है और ये प्रकृति में सभी के साथ हो रहा है। कोई हमारे साथ नई बात ही नहीं है कि हम पति पत्नी हैं,
तो हमारा रिश्ता ऐसा है, और हम इनमें भावनाएं जोड़ लेते हैं, और जब हम भावनाएं जोड़ते हैं यही हमारा दुख है ना। तो तथ्यों की ना तो पूजा की जाती है ना भर्त्सना की जाती है, तथ्यों को बस स्वीकार किया जाता है कि मतलब ये सत्य है तो सत्य है। हमारे रिश्ते सिर्फ शरीर के लिए ही बनते हैं, इस चीज को हम स्वीकार नहीं करते, और हम तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि हमारी तो पत्नी है, उसे हमारे बारे में ऐसा सोचना चाहिए, वो हमसे इस तरह की बातें क्यों कर सकती है, वो हमें धोखा कैसे दे सकती है, वो हमें छोड़ के कैसे जा सकती है। ये सब बातें भावनाओं से उत्पन्न होती है, है ना। वो जो हम गीता में पढ़ रहे हैं उसकी बात हम गीता में करते हैं भावनाओं की, लेकिन यहाँ पे भी गीता से ही मिलती जुलती बातें, क्योंकि दुनिया में जो भी हो रहा है ना वो सब चीजें गीता में बताई गई हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता बनता है वो सिर्फ शारीरिक होता है, वहाँ भावना कोई नहीं होती है, ये शरीर का काम है और प्रकृति में यही सब हो रहा है ना। ये सिर्फ मनुष्यों के साथ नहीं हो रहा, हर जीव में ऐसा होता है। लेकिन अब आगे बात करेंगे। पूछिए, ये जो आपने अभी हमें को ज्ञान दिया, तो ये ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये कौन सी किताब है? ये संबंध बुक में है। अच्छा अच्छा, तो वो मुझे परचेस करना पड़ेगा। हाँ, संबंध बुक और गीता दोनों आपको परचेस करनी है, ठीक है। तो इसको क्या है, यहाँ पे हम समझेंगे, अपने पास रहेगी तो हम और अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, है ना। यहाँ से हफ्ते में एक दिन पढ़ेंगे, फिर उसको हम रिवीजन करेंगे, पढ़ के रखेंगे, तो जो चीज नहीं समझ में आएगी तो उसे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते और इस बात से हम झगड़ भी नहीं सकते, है ना। ना तो इससे हम इनकार कर सकते कि ये शारीरिक नहीं है, और इसमें हम झगड़ा भी नहीं कर सकते कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकृति है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वहां हर चीज चलती रहती है, वहां भावनाएं नहीं होती, वहां ना दुख होता ना सुख होता ना कुछ, वहां तो प्रकृति है, अपने हिसाब से चलती रहती है। प्रकृति का काम है कि ये शरीर चले और जीव ज्यादा से ज्यादा जीव बढ़े और जीव जिंदा रहे, बस आते और जाते रहे, यही प्रकृति का काम है, ठीक है। हम ऐसे ही है जैसा हमें बनाया गया है, जैसी हमारी प्राकृतिक संरचना है, उसके कारण उसके चलते हम लगातार अपने चारों ओर की दुनिया से लगातार संबंध बनाते ही रहते हैं। ये जो संबंध बनाने की प्रक्रिया है ये प्राकृतिक है, और इसी वजह से हम संबंध बनाते हैं। आपने तो एक विशेष संबंध की बात करी, उसके अलावा भी हर व्यक्ति लगातार संबंध बना ही रहा है, सब इंद्रियों से, मन से, स्मृति से हम रिश्ते स्थापित कर ही रहे हैं, किसी न किसी से जुड़े ही रह रहे हैं, किसी न किसी से कुछ लेन देन, कुछ नाता रख ही रहे हैं। और जब भी किसी से जुड़ते हैं, कोई संबंध, कोई नाता रखते हैं, उसमें पहली प्रेरणा यही रहती है कि प्रकृति का चक्र चलता रहे, ठीक है। जो भी है, मतलब प्रकृति में जो भी हो रहा है वो इसीलिए है कि प्रकृति का चक्र चलता रहे। अब प्रकृति के चक्र में चलते रहने में अपने आप में कोई बुराई नहीं हो गई। घास उगती है, ये कोई पाप की बात है क्या? नहीं है। नारियल के पेड़ पर नारियल लगते हैं, इसमें कौन सी बुराई होनी है? जंगल चले जाइए, वहां लगातार प्रकृति का ही खेल चल रहा है। समुद्र में लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, चंद्रमा की कलाएं देख लीजिए, पूरा विश्व और क्या है, प्रकृति का ही तो खेल है। तो इसमें कोई बुराई नहीं हो गई। चुंबक लोहे को खींच रहा है अपनी ओर, ये कोई निंदनीय बात है नहीं है, कुछ नहीं। ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र सब अपनी अपनी कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, आप इस बात की निंदा करना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब अपने आप चल रहा है। तो शरीर के भीतर एक पूरी प्रकृति व्यवस्था चल रही है, रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही है, रसों का उत्सर्जन हो रहा है, दिल धड़क रहा है, रक्त धमनियों में दौड़ रहा है, ये सब कोई बुरी या गंदी बातें हैं? नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रकृति का खेल अपने आप में मूल्य निरपेक्ष है, वो किसी चीज को मूल्य नहीं देता, वो मूल्य जानता ही नहीं है, वो बस अपनी तंत्रता जानता है, वो बस अपनी व्यवस्था जानता है कि मैं ऐसे चलता हूँ, और वो व्यवस्था चलेगी। आप कोई हो, आप घास के तिनके हो, आप गुलाब का फूल हो, आप समुद्र किनारे की रेत हो, आप बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य हो, कि आप कोई कीट पतंग हो, प्रकृति व्यवस्था तो चलेगी। मतलब यहाँ जो चीजें हैं वो समझने के लिए इसे समझ गए तो जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना वो हमें समझ में आ जाएगी। तो फिर अध्यात्म किस लिए है? अगर प्रकृति की व्यवस्था चलती ही रहती है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है तो अध्यात्म का क्या करना है भाई? बात ये नहीं है कि अध्यात्म का क्या करना है, बात ये है कि अध्यात्म का किसे करना है, ठीक है। मतलब अध्यात्म है क्या और किसके लिए है?
इस पूरी प्रकृत व्यवस्था में एक विचित्र जंतु फंस गया है जिसका क्या नाम है, इंसान है ना। मतलब न जानवरों को अध्यात्म चाहिए, न पक्षियों को चाहिए, न कीट पतंगों को चाहिए, किसी को भी अध्यात्म नहीं चाहिए, लेकिन ये जो मनुष्य है ना, ये इस प्रकृति में फंस गया और इसे अध्यात्म चाहिए। क्यों चाहिए ये हम यहाँ पे अभी समझेंगे। तो पूरे ब्रह्मांड को देख लीजिए, आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी हस्ती को लेकर के ही बेचैन परेशान हो, जो इसी बात से उलझा हुआ हो कि मैं हूँ ही क्यों। कोई नहीं मिलेगा जो ये सवाल पूछता हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाना है, जीवन क्या है, उद्देश्य क्या है, कोई नहीं पूछता ना, इंसान पूछता है। ठीक है, ये चीजें सिर्फ इंसान पूछता है, जानवर कभी भी नहीं पूछते, है ना। तो इंसान की हालत बड़ी विचित्र है ना, है प्रकृति में, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था से वो संतुष्ट नहीं हो पाता। क्यों उसे जरूरत है, क्योंकि है तो वो प्रकृति में, लेकिन प्रकृति की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं है, है ना। और संतुष्ट नहीं है इसीलिए दुख है। आ रहा समझ में? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमारी हालत ये है कि हम प्रकृति में है, क्योंकि हम प्रकृति में है इसलिए प्रकृति में जितने ज्वार भाटे आते हैं उनका असर हम पर पड़ता है। घास का एक तिनका आकार में बढ़ता है, आदमी का बच्चा आकार में बढ़ता है ना। सब जानवरों के साथ जीवन भर जो जैविक घटनाएं घटती है वो इंसानों के साथ भी घटती है। तो प्राकृतिक तौर पर हम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि शेष विश्व, लेकिन अपनी प्रकृतिगत व्यवस्था से हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। अब ये भी तथ्य है, इसकी भी कोई निंदा इत्यादि नहीं की जा सकती, भाई ऐसे ही है हम। मतलब ये भी एक तथ्य है कि सिर्फ इंसान ही है जो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता, है ना। बाकी सब जीव जैसे हैं वैसे खुश रहते हैं, उनके साथ जो हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य के साथ कुछ भी हो वो हर चीज से प्रॉब्लम में रहता है, कोई चीज से उसे संतुष्टि नहीं मिलती। प्रकृति जैसी है वैसी है, और प्रकृति में ये एक विचित्र जंतु है इंसान, ये भी जैसा है वैसा है। ये है तो प्राकृतिक, कम से कम दिखने में तो प्राकृतिक ही है। बंदर की ही तरह इसकी भी नाक होती है, हाथ होते हैं, बाल होते हैं, उछल कूद करता है, खाता है, पीता है, जन्मता है, मरता है। तो है तो प्राकृतिक, लेकिन प्रकृति से संतुष्ट नहीं होता। अब मामला फंसता है, अब समझना पड़ेगा कि क्या करे भाई। और सिर्फ इंसान को समझना पड़ेगा, है ना, किसी और को कुछ समझने की जरूरत नहीं है। नदी, पहाड़, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मछली, पक्षी, सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कोई किसी यात्रा पर नहीं है, किसी को बदलना नहीं है, किसी को कहीं पहुंचना नहीं है, पर आदमी अलग है, न्यारा है बिल्कुल, उसे तो कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, समाज आपको ना भी सिखाए कि आपको कुछ बनना है तो भी आपके भीतर एक बेचैनी रहेगी। आपको पता है कि आपको कुछ बनना है, जो अभी आप हो नहीं, बल्कि समाज तो आपको जो बातें सिखा देता है कि ऐसे बन जाओ और वैसे बन जाओ, वो बातें अक्सर व्यर्थ की होती है। मतलब जो समाज बताता है कि आपको कुछ बनना है, आपको पढ़ के कलेक्टर बनना है, आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो काम करना, वो सब व्यर्थ की बातें होती है। अगर वो काम की बातें होती ना तो आदमी उनको करके संतुष्ट होता, लेकिन संतुष्ट नहीं है इसका मतलब वो असरदार नहीं है, वो व्यर्थ की बात है। इसीलिए हम बात करते हैं कि समाज की परवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, जो बन जाता है वो फंस जाता है, बनकर, मतलब जो कुछ भी बन जाता है वो बनकर फंस जाता है। पर जब समाज नहीं था, जिस रूप में आज है इंसान, जब बिल्कुल अकेला भी था, तब भी उसके भीतर कुछ कचोटता तो था ही कि कुछ बनना है, मैं वो नहीं हूँ जो मेरी संभावना है, जो मेरी नियति है, मुझे कुछ बनना है। ठीक है, तो अब प्रकृति की कोई रुचि नहीं है कि आप कुछ बने, मतलब ये प्रकृति नहीं चाहती, ये इंसान चाहता है। प्रकृति से कोई मतलब नहीं, आप कुछ बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो बस ये है कि आपके जीन्स आपके डीएनए बढ़ते रहे, बस प्रकृति इतना ही चाहती है। आप क्या है, प्रकृति की दृष्टि में शरीर भर है। ठीक है, आप प्रकृति की दृष्टि में क्या है, सिर्फ शरीर है। तो आपको वो शरीर की तरह ही संबोधित करती है, आपसे वो शरीर की तरह ही काम लेती है। आदमी की आंखें भी वैसी ही चलती है जैसे बंदर की आंखें चलती है। मूल वृत्तियां आदमी के मस्तिष्क की भी वही है जो किसी भी अन्य जीव जंतु के मस्तिष्क की है। डर, लालच, असुरक्षा, वासना, ये सभी में होता है, ये मनुष्यों में भी होता है। अब प्रकृति हमें वैसे ही लेकर चल रही है जैसे कि किसी और को लेकर के चलती है, और हम वैसे हैं नहीं। मतलब प्रकृति तो हमें वैसे ही लेकर चलती है जैसे सबको चल रही है, लेकिन हम वैसे हैं नहीं। तो लेकिन हम कैसे भी हो, प्रकृति तो हमारे साथ व्यवहार वही करेगी जो सबके साथ करती है। आप उसे रोक भी नहीं सकते, आप प्रकृति को जानकर नहीं कह सकते कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे नाखून नहीं बढ़ने चाहिए।
ज्ञान और नाखून का क्या संबंध है? अब मैं ज्ञानी हो गया ना, अब मेरे नाखून बढ़ना बंद कर दे प्रकृति, ऐसा क्या होता है? नहीं होता ना, मतलब प्रकृति तो अपना काम करेगी, उसे हम रोक नहीं सकते। तो फिर ये ज्ञान चाहिए क्यों? अभी हम आगे इस पे बात करते जाएंगे तो समझ में आएगा। तो प्रकृति कहेगी, ज्ञान गया भाड़ में, नाखून तो बढ़ेगा और तू तो मरेगा। कितना भी ज्ञान हो तेरा, शारीरिक मृत्यु से तुझे कोई नहीं बचा सकता। ठीक है कि कोई आए और कहे हम तो मुक्त हो गए, हमें मोक्ष मिल गया, या हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमें तो बीमारी नहीं लगनी चाहिए, आत्मा तो निरामय होती है, हमें बीमारी क्यों लग रही है? प्रकृति कहेगी आत्मा इत्यादि जो होती होगी सो होती होगी, जहां तक शरीर मस्तिष्क इत्यादि की बात है वो पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। बुद्ध हो, महावीर हो, रामकृष्ण हो, रमण महर्षि हो, बीमारी सबको लगेगी। तो ये हमेशा याद रखना होगा। आप कितना पढ़ लिख लें, आप कितने समझदार हो जाएं, प्रकृति आप पर उसी तरीके से अंकुश लगाकर चलेगी जैसे वो किसी और पर लगाकर चलती है। आप प्रकृति को मना नहीं कर सकते, आपकी देह उसके कब्जे में है, उसके हवाले है, क्या करे इंसान फिर? तो अब यहाँ पे है कि जब सब प्रकृति ही कर रही तो इंसान क्या करे, है ना? तो इंसान ये कर सकता है कि इंसान के भीतर जो बेचैनी है वो ये तय कर सकती है कि प्रकृति के निर्देशों का जवाब कैसे देना है ना। अब देखिए यहाँ जो मेन चीज है इंसान के अंदर वो किसी और के अंदर नहीं है, है ना? तो जो बेचैनी होती है वो सिर्फ इंसान को होती है। तो जब ये बेचैनी होती है तो वो तय, हाँ, तो जो ये बेचैनी होती है वो तय कर सकती है कि मुझे बेचैन होना है कि नहीं होना है। प्रकृति भले कुछ भी करे, मुझे निर्धारण करना है कि मुझे चैन से रहना है या बेचैन होना है। इसके लिए ज्ञान होता है, है ना? ज्ञान आपके भीतर के लिए है, बाहर तो आपका शरीर वैसा ही चलेगा, आप खाना भी वैसा ही खाएंगे, आप अपनी पत्नी के साथ भी वैसे ही रह सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, आप दुनिया के साथ वही व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन जो आपके अंदर ये बेचैनी हो रही है उसको खत्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसान की विशिष्टता क्या है, इंसान की खासियत किसमें है, न्यारापन किसमें है? बाकी जीवों के पास अस्तित्वगत बेचैनी नहीं है, हमारे पास है। उसी को हम बोलते हैं आदमी की विशिष्ट चेतना। चेतना के तल पर हम सब जानवरों से अलग हैं, मतलब सब जानवरों में चेतना नहीं होती लेकिन मनुष्य में चेतना होती है। ठीक है, तो शरीर के तल पर नहीं है अलग, मतलब हम शारीरिक रूप से तो अलग नहीं है लेकिन चेतना की दृष्टि में हम सभी से अलग है। ठीक है, तो प्रकृति जब आपसे बात करने आए, प्रकृति जब आपको संबोधित करे, प्रकृति जब आप में भावनाएं उठाए, विचार उठाए, वृत्तियां उठाए, तो अब इस चेतना को देखना होगा कि अब क्या करना है। प्रकृति को मना नहीं करा जा सकता, वो करेगी। ठीक है, प्रकृति तो करेगी, प्रकृति तो भावनाएं उठाएगी, सब कुछ करेगी। आप होंगे बहुत बड़े विद्वान, भूख तो लगेगी, है ना? आप कितने भी बड़े विद्वान हैं तो भी भूख लगेगी, नींद तो आएगी। प्रकृति की जो सब कारिंदे हैं ना, रसायन वगैरह जो भीतर बैठे हुए हैं, वो तो अपना काम करेंगे, उनको आप कैसे रोक लोगे? आपके बस में ये है कि आप जो हो, जो आपकी मूल पहचान है जिसका नाम चेतना है, वो ये देख ले कि करना क्या है। उन सब लहरों का, उन गतियों का जो प्रकृति के इशारे पर आपको भी आपके भीतर उठ रही है और गिर रही है, क्या करना है उनका? तो अब देखिए, अंधेरा हुआ नहीं कि डर लगा। क्यों डर लगा अंधेरा होते ही? क्योंकि भाई हर जानवर को लगता है, जंगल के अधिकांश जानवर रात होते ही क्या करते हैं, एक सुरक्षित जगह पर जाकर के सुबह तक के लिए छुप जाते हैं, और कुछ जो निशाचर होते हैं वो रात हुई नहीं कि निकल पड़ते हैं। अब आदमी जब जंगल में था तब आदमी रात को छुपने वालों में से था, तो जंगल बहुत पीछे छूट गया, लेकिन रात अभी भी होती है, होती नहीं है कि भीतर के विचार बदलने लगते हैं। देखो ये यहाँ पे जो बात बताई जा रही है इसे आप ध्यान से समझिएगा कि जो चीजें जानवर कर रहे हैं वही चीजें आदमी भी करता था, लेकिन जब आदमी जंगल में रहता था। लेकिन आज आदमी जंगल से निकल के घरों में आ गया है, आज आदमी ने सुविधाएं बना ली हैं, आज आदमी रात के अंधेरे को बल्ब के उजाले से प्रकाश में बना सकता है, ये जानवर नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? तो जो चीजें पहले जानवरों को होती थी वो चीजें अब इंसानों को भी हो रही है। तो हमें समझना होगा कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर चेतना है, और हम अपनी चेतना से ये समझ सकते हैं कि अब वो डर नहीं है हमारे पास जो डर जंगल में था, लेकिन हम आज भी उसी तरह डर जाते हैं, है ना? तो ये हमें समझना होगा, मतलब ज्ञान है हमें जानने का। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना कि जो चीजें हो रही है क्या आज भी जरूरी है, ये जानना पड़ेगा, और जब जानेगा तभी उसका जीवन बदलेगा।
ठीक है। तो आप कहीं बैठे हो, किसी मुद्दे पर विचार कर रहे हो, आप देखिएगा सांझ को विचार कुछ और रहेगा और सूरज डूबा नहीं कि विचार दूसरा हो जाएगा। हम कहेंगे हमारा विचार है, वो हमारा विचार इत्यादि तो कम ही है, उस पर प्रकृति का कब्जा है और हमें ये बात पता भी नहीं चलेगी कि हमारे ख्याल इसलिए बदल गए हैं क्योंकि सूरज ढल गया है। हम पुराने जानवर हैं और पुराना जानवर अंधेरा होते ही बिल्कुल दूसरे तरीके से सोचने लगता है, उसके विचार का केंद्र ही बदल जाता है। खास तौर पर जहां वो बैठा है वहां अगर रोशनी कम हो, तो आप कोई साहसिक योजना बना रहे हो कहीं बैठ करके, एक ऐसी योजना जिसमें खतरा भी है और साहस की बड़ी जरूरत है, तो आपकी योजना बिल्कुल दुरुस्त बन रही होगी दोपहर तक शाम तक, और आप वहीं बैठे बैठे लिख रहे हैं फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, और लिखते लिखते आपको पता नहीं चला सूरज कब ढल गया और आप मगन थे लिखने में, तो आपने बत्ती नहीं जलाई और थोड़ी देर में आपने सिर उठा करके देखा तो अंधेरा सा है। आप पाएंगे आपकी योजना बदलने लगेगी, मतलब जब तक पता नहीं था कि अंधेरा है तब तक आप बेधड़क थे, जैसे ही दिखा कि अंधेरा है वैसे ही आप घबरा गए, आपकी सारे विचार बदलने लगते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही मैं ऊंची उड़ान का सोच रहा हूं, कहीं पंख ना कट जाए, ये जो मैं योजना बना रहा हूं कभी भारी ना पड़ जाए, पिट पिटा ना जाए, तो ऐसा करते हैं कि योजना को थोड़ा कतर कर इसका खतरा कम कर देते हैं, और इस बात को आप कहेंगे आपने अपना मन बदल दिया है, आई चेंज माई माइंड, मेरे विचार बदल गए हैं। आपके विचार नहीं बदल गए, घड़ी की सुइयां बदल गई हैं, मतलब जो हम कहते हैं ना कि हमने किया, तो वो हम नहीं करते, वो हमसे प्रकृति करवाती है, और इस चीज को समझना है, इसी को ज्ञान कहते हैं कि जो चीजें हमें लगता है कि हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे होते हैं, वो हमारे विचार हमारी भावनाएं ये सब प्राकृतिक है, ठीक है। तो सुबह उठेंगे फिर देखेंगे कि ऊषा की ओर गेरुए आसमान को, फिर साहस से भर जाओगे, फिर कहोगे नहीं नहीं। तो हमारे भीतर जो कुछ भी हो रहा होता है, ज्ञान की पहली बात ये है, ज्ञान की पहली बात ये है कि हम समझे कि वो बहुत हद तक हमारे जंगली अतीत से संचालित है, और जब मैं जंगली कह रहा हूं तो मैं कोई निंदा इत्यादि नहीं कर रहा, जंगल हमारा पुराना घर है भाई, उसकी कौन निंदा कर सकता है। कोई अपने पैतृक गाँव वगैरह की निंदा करता है, तुम कहते हो हमारे दादाजी फलाने गाँव में कोठी में रहते थे, गाँव की वो कोठी अब ध्वस्त हो रही है, लेकिन उसकी निंदा करते हो क्या। तो वैसे ही जंगल हमारा सबसे पुराना घर है। तो यहाँ तक हम समझेंगे, ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं वो प्राकृतिक है। तो हम जब बात करते हैं कि हमारा जो दुख है, जो तकलीफ है, जो भावनाएं हैं, वो सब प्राकृतिक है, जो हमारा रिश्ता है, जो हमारे नाते हैं, रिश्ते नाते हैं, ये सब प्राकृतिक है, लेकिन हम इन्हें समझते हैं ये सब हमारे हैं, हमने बनाए हैं, ठीक है। और जो हम ये अपना अपना करते हैं ना, यही हमारे दुख का कारण है। हमें अगर इसे समझ में आ गया कि हम कुछ नहीं करते हैं, सब अपने आप हो रहा है, अब ये जो हो रहा है इससे हम दुखी हो रहे हैं, तो हमें इस दुख को समझना है कि ये दुख हमें हो किस चीज का रहा है, क्योंकि हम वहां घुस रहे हैं कि हमने किया। अगर कोई पड़ोसी कुछ करे हमें दुख नहीं हो रहा, लेकिन हमारा परिवार, हमारा खून, हमारा जो शादी संबंध है वो करे तो हमें तकलीफ होती है, क्यों, क्योंकि हम उसे अपना समझ रहे हैं, जबकि वो हमारा अपना होता नहीं है। ये सब संबंध, ये सब सामाजिक, ये सब रिश्ते नाते बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि प्राकृतिक व्यवस्था अच्छे से चलती रहे, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छे से चलता रहे, अरे हमारा जीवन तो हमारे चलाने से चलेगा ना, हम अकेले आए और अकेले जाना है, ये संबंध तो सब प्राकृतिक है। लेकिन जब हम ही प्राकृतिक नहीं रह गए तो हम प्राकृतिक चीजों से प्रभावित क्यों हो रहे हैं, और जो प्रभावित हो रहे हैं यही हमारा दुख है, ठीक है। इस चीज को हमें समझना होगा। अगर हम जानवर होते, जंगली होते तो ठीक था, लेकिन अब हम मनुष्य हैं और हमारे हाथ में बहुत कुछ है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी हम उसी तरह परेशान हो रहे हैं जैसे कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। बस हम ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो गया, क्यों दूसरा हमें दुखी करके चला गया। अरे किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है कि हमें दुखी करके जाए, जब हम अपनी भावनाएं उससे जोड़ते हैं, जब हम अपनी कामनाएं उससे जोड़ते हैं, जब हम अपने आप को पूर्णता के लिए उससे जोड़ते हैं, तब ना उसकी हिम्मत पड़ती है कि हमें दुखी करके चला जाए। अगर हम अपने आप में खुश रहने लगे, हम अपने आप में पूर्ण हो जाएं, इसका मतलब फिर लोग यहाँ पे ये भी कहने लगते हैं कि अगर हम अपने आप में पूर्ण हो गए, अपने आप में खुश हो गए, तो इसका मतलब क्या हम किसी से रिश्ता ना रखें। तो हमें रिश्ता रखना है, उसी तरह से रिश्ता रखना है जिस तरह से हम खाने से रिश्ता रखते हैं भूख लगती है, तो जिस तरह हम पानी से रिश्ता रखते हैं जब हमें प्यास लगती है, उसी तरह से हमारा रिश्ता अगर पत्नी से है तो
उसी तरह होना चाहिए, सिर्फ शारीरिक होना चाहिए, पर हम वहाँ पे मन लगा बैठते हैं, और जब मन लगा बैठते हैं तो ही हमें सारी प्रॉब्लम होने लगती है। आ रहा समझ में? हम खाने से मन नहीं लगाते, हम पानी से मन नहीं लगाते, हम घर से मन नहीं लगाते। जहाँ भी आप मन लगा लोगे, जहाँ भी आप उम्मीदें लगा लोगे, जहाँ भी आप अपना अस्तित्व बनाने का सोच लोगे, वहीं आपको तकलीफ होगी। समझ रहे? तकलीफ हो ही क्यों रही है? क्योंकि आप उससे अपना रिश्ता जोड़ लेते हो, जबकि रिश्ता तो कुछ किसी का है ही नहीं है, तो सब प्रकृति अपने आप चल रही है, यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है। और हम सोचते हैं कि सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, आपके साथ ही नहीं हो रहा। और जो ये धोखा देने की प्रकृति होती है कि मेरी पत्नी ने धोखा दे दिया, मेरे पति ने धोखा दे दिया, ये तो प्राकृतिक है, ये तो जानवर भी करते हैं, एक के साथ नहीं, दूसरे के साथ, तीसरे साथ, ये तो मनुष्यों ने संबंध बना दिया, रिलेशन बना दिया कि एक ही पत्नी साथ रहना है, एक ही पति के साथ रहना है, तो फिर हमको लगता है धोखा हो रहा है, बेईमानी हो रही, जबकि ये नेचर है, ये स्वभाव है, इसे कोई नहीं बदल सकता। समझ रहे हैं? यहाँ पे बात समझ में आ रही है? प्रकृति में मतलब अपने जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ना पहचान के होते हैं, कोई पुराना रिलेशन होता है, ऐसे लोगों से हम मतलब अनकॉन्शियसली बोलो वो अटैच हो जाते हैं। उसका क्या रीजन है? देखिए, हम जिससे भी अटैच होते हैं, तो वो हमारे क्षेत्र में आता है, तभी हम अटैच होते हैं। हम जिसे नहीं जानते, जिस तक हमारी पहुंच नहीं होती और जिस तक हमारा मिलन नहीं होता, वहां तक तो हम नहीं अटैच हो जाते। हम अटैच कहाँ तक होते हैं? जहां तक हमारी हमारा दायरा होता है, जहां तक हम मिल सकते हैं किसी से। जब मिलते हैं फिर उससे हमें कुछ कामना दिखती है, कुछ लगता है कि कुछ पूरा हो सकता है, कुछ मिल सकता है, तो फिर हमारे दोस्ती होती है, हमारे रिश्ते बनते हैं और इस तरह से हमारा जीवन हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब वो दोनों तरफ से रहता है। हाँ, दोनों तरफ से, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है उसकी भी तो कुछ कामनाएं होंगी ना, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो प्रकृतिक ही है। हाँ, तो कभी कभी ये चीज से ऐसा डर भी लगता है कि कहीं ये रिश्ता परमानेंट नहीं भी हो सकता, बरोबर? हाँ, देखिए, हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे? मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि जो आपने बोला कि कुछ कामनाएं अपनी भावनाएं और उन सामने वाले की भावनाएं, दोनों की जो जरूरतें हैं उसमें सिर्फ स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, पुरुष और पुरुष की भी बातें होती है। हाँ, हाँ, होती है। तो उसको भी अपने से कुछ अपेक्षाएं होते हैं और अपने को भी उससे कुछ अपेक्षाएं होती है। हाँ, होती है। लेकिन क्या वो रिलेशन प्राकृतिक होने मतलब इनके पीछे दोनों की इच्छाएं होती है इसलिए वो आदमी जुड़ जाता है, लेकिन भविष्य में वो परमानेंट रिश्ता रहेगा नहीं भी रह सकता है, ये इसमें मुझे क्या कंफ्यूजन है कि क्या। सुनिए, मैं समझ गई। देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब तो इसका ये समझिए कि आप जब जुड़ रहे हैं किसी कामना को लेके, किसी इच्छा को लेके, तो अगर वो इच्छा और कामना पूरी होती रही तब तक तो आपका रिश्ता रहेगा, और जिस दिन आपकी इच्छा कामना पूरी नहीं होगी उस दिन वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, उस दिन वो रिश्ता नहीं रहता। अच्छा, है ना? अच्छा, वो दोनों के लिए लागू है। हाँ, उनमें से ये होता है कि जिसकी कामना पूरी हो रही है, जिसकी जरूरतें पूरी हो रही है, और मान लीजिए आपकी जरूरतें उससे नहीं है, आपकी इच्छाएं नहीं है, तो आप पीछे हटोगे और वो आपसे डरेगा, या आप उससे डर रहे हो, तो इसका मतलब वो उसकी कामना नहीं है लेकिन आपकी कामना उससे बहुत ज्यादा है, इसलिए आप डर रहे हो। डर, जिसकी ज्यादा कामना होगी, जिसकी ज्यादा इच्छा होगी, जिसकी ज्यादा जरूरतें होगी, वो डरेगा, और जिसकी नहीं है वो निडर रहेगा, और वो दूर भी होने में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? वही कहता। आ गया समझ में? मतलब पति पत्नी में भी यही होता है कि जो ज्यादा जरूरत रखता है, जो ज्यादा इच्छा रखता है, जो ज्यादा कामना होता है, जो जिसको लगता है कि इसके अलावा मेरी कामना और कहीं से पूरी नहीं होगी, वो डरा हुआ रहता है, और जिसको लगता है कि मैं इसके अलावा भी अपनी कामना, अपनी इच्छा कहीं और से पूरा कर सकता हूँ या पूरी कर सकती हूँ, वो बिंदास रहता है, उसको कोई डर नहीं रहता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जीवन में कोई रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है, आप ना सही तो कोई और सही। समझ रहे? है ना? तो अगर हमें इस डर को खत्म करना है तो अपनी जरूरतों को खत्म करना है, अपनी इच्छाओं को खत्म करना है, अपनी कामनाओं को खत्म करना है, ना कि उस व्यक्ति से कुछ करना है हमें, है ना? अपने ऊपर काम करना है, अपनी जरूरतों को कम रखना है, अपनी इच्छाओं को अपने तक ही सीमित रखना है, आपसे जो हो सके, आप जितना जिंदगी जी सकते हैं, जैसे जी सकते हैं, अपने ऊपर निर्भर रहे, ना कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहे। और अगर आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो वो आपका यूज भी करेगा, फायदा भी उठाएगा और आपको डराएगा भी, ठीक है? तो यहाँ पे समझना ये है कि ये जो हमारे रिश्ते हैं ये सब प्रकृति के रिश्ते हैं, इसीलिए स्त्री पुरुष बनाए जाते हैं ताकि बच्चे जन्म ले सके, ताकि डीएनए जीन्स चलते रहे, लेकिन यहाँ भावनाएं नहीं होती। लेकिन हम क्या है, भावनाएं जोड़ लेते हैं,
कि मेरा है, मेरा प्रेमी है, मेरा पति है, वो किसी और के पास क्यों जा सकता है? क्यों जा सकता है? क्योंकि ये प्रकृति है, यहाँ कोई किसी के साथ भी जा सकता है, किसी के साथ भी रह सकता है, और आपसे मिलने से पहले वो आपका कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने उसको देखा और आपने उससे संबंध बनाया, वैसे ही आपकी इच्छाएं जुड़ गई, वैसे ही आपने उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया कि अब ये मेरा है, अब ये किसी और का हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये हमारी गलती है ना, प्रकृति ने तो ये सब नहीं किया, प्रकृति ने तो इंसान को स्वच्छंद छोड़ रखा है, है ना? प्रकृति ने तो सभी जीवों को स्वतंत्र छोड़ रखा है, लेकिन ये संबंध रिश्ते नाते मनुष्यों ने ही बनाए ना, तो दुख भी मनुष्यों को ही होगा। अगर किसी को बांधने की कोशिश करोगे तो तकलीफ किसको होगी? जो बंधेगा उसको भी और जो बांधेगा उसको भी तकलीफ होगी, है ना? ऐसा नहीं कि कोई एक ही तकलीफ झेलेगा, दोनों को तकलीफ होती है। आ रहा समझ में? हमें यहाँ किसी को बांधना नहीं है, ना खुद बंधन में रहना है, ना किसी को बांधना है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर प्रकृति में जो भी हो रहा है, अगर उसे हम स्वतः ही होने दें, हम ज़्यादा उससे संबंध स्थापित ना करें, मेरा मेरा ना करें, बहुत अपना पराया ना करें, तो तकलीफ नहीं होती है। और जहाँ हम अपना और प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं, वहीं पे हमारा दुख भी होता है। ठीक है, दुख कहाँ होता है? जहाँ हम अपना समझ लेते हैं, जबकि प्रकृति में कुछ भी अपना नहीं है, पूरी प्रकृति ही पराई है, तो कोई इंसान हमारा अपना कैसे हो सकता है? है ना, कि पूरी प्रकृति ही पराई है, और जब ये प्रकृति ही पराई है और ये किसी के साथ ना न्याय करती ना अन्याय करती, तो हम किसी इंसान को दोषी कैसे बना सकते हैं कि कोई इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है ना? वो तो उसकी प्रकृति है, जिसकी जैसी प्रकृति होगी। मुझे एक सवाल है कि लोगों के एक तरफ रखता हूं, और दो उषा के रामपुर मिसा की, जब एक दूसरे से इमोशनली अटैच हो जाते मतलब सामने वाला भी अपने को समझता है और अपन भी सामने वाले को समझते है, ये हो गए अपनी भावनाओं की अटैचमेंट। तो इसमें प्रकृति और भावना और पर्सनली जो इंसानों की जो अटैचमेंट है, इसमें कहीं प्रकृति की दखल अंदाजी होती है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रकृति को हम अलग समझ रहे हैं, ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी प्रकृति ही है। सबसे बड़ी गलती तो हम यही कर रहे हैं कि हम अपने आप को अलग समझ रहे हैं, हम भी प्रकृति ही है, है ना? और जो हमारे साथ हो रहा है, जो ये अटैचमेंट, जो ये भावनाएं, जो ये हो रही, ये सब प्राकृतिक ही है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, है ना? जो हम बात करते हैं अहंकार की, अभी आप गीता में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि अहंकार क्या होता है, आत्मा क्या होती है। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे ना, आत्मा माने क्या और अहंकार माने क्या, तो जो ये अहंकार होता है वो ये समझता है कि मैं ही पूरा शरीर हूँ, जबकि शरीर प्रकृति है, वो नहीं है। तो वो जो मैं, जो ये मैं कहता है ना, जो ये शब्द हमारे मुंह से निकल रहा है मैं, यही अहंकार कहलाता है, इसी को अहंकार कहते हैं। तो जो ये हमारे साथ भावनाएं हो रही है, जो हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जो हमारी मित्रता हो रही है, ये सब प्राकृतिक है। मतलब ये भावनाएं, ये सब केमिकल लोचा है, यानी कि हमारे अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से ये सब उत्पन्न होता है। हमारे आंसू आ रहा है, हमें दुख हो रहा है, हमें भूख लग रही है, हमारा खाना पच रहा है, हम चल रहे हैं, खून रक्त दौड़ रहा है, ये सब प्राकृतिक है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन ये जो अहंकार है ना, जो ये मैं कहता है कि मैं, तो यही दुख है। ये जो मैं कहना बंद कर देना, सब अपने आप होने लगे ना, जहाँ पे ये घुसना बंद कर दे वहीं पे दुख खत्म हो जाता है। तो हमें इस अहंकार के लिए ही सब कुछ करना है, इस अहंकार को जानना है कि प्रकृति जब सब कुछ कर रही है तो फिर हमारा क्या काम है, हम क्यों घुस रहे हैं बीच में, है ना? हम क्यों दुखी हो रहे हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन अपने आप सब कुछ होता रहेगा, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। हाँ बोलिए मैम। एक मेरा सवाल है कि 10 साल पहले, हाँ, जो लोग मेरे मेरे पास जो मेरे 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 से ईर्ष्या करते थे, मुझसे ईर्ष्या करते थे के अगेंस्ट में मैं कोई जवाब नहीं देता, हाँ, या ना लड़ता। 10 साल के बाद में वो विचारों में फर्क आ गया और वही लोग आज अपने आप उससे जुड़े, जबकि मैंने उनको कुछ भी, मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण? जब वो जुड़े आपसे, तो आप पहले कैसे थे और अब क्या अंतर है, आप में क्या अंतर हुआ? मतलब पहले आप कैसे थे जब आप उनकी कोई भी परवाह नहीं करते थे, उस वक्त आप 10 साल आप जैसे थे, है वैसे ही है। तो वो मतलब जब आपसे जुड़े तो किस कारण से,
जब वो जुड़े आपसे तो किस कारण से जुड़े, क्या ऐसा हुआ कि उनका व्यवहार आपके प्रति बदल गया, अचानक से ऐसा क्या हुआ, कितना मेल जोल है, कितना नहीं उनका मतलब, जो मुझे मतलब जो मुझे क्या बोलते उसको आपने भी मतलब क्या कहते हैं कि उनको सही नहीं होता था, मतलब कैसा रहता जो फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि कोई लोग बिजनेस में किसी को ईर्ष्या की तरह देखता है कि भाई ये अपने से आगे बढ़ रहा है, और कुछ सालों के बाद में उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये अपन ही गलत है, ये इंसान तो ऐसा नहीं है, तो फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना घटी होगी जो उसको ये एहसास करा जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई घटना ऐसे घटती है जैसे कि हमें किसी का कोई धोखा दे देता है या कोई इस दुनिया से ही चला जाता है, जब हमें धक्का लगता है तब हमें हमारा दिमाग खुलता है कि इंसान का तो जीवन ऐसा ही है कि आया और गया, यहाँ कोई रहने वाला है नहीं, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि स्वतः ही ज्ञान हो जाता है ना, कोई ऐसी घटना हमारे साथ घट जाती है कि स्वतः ही हम चीजों को समझने लगते हैं, है ना। तो ये स्वाभाविक है, ये भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल निष्काम हो गया है व्यक्ति। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना जरूर छुपी रहती है जो हमें दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती, लेकिन वो फिर धीरे धीरे समझ में आ जाती है। जब आप खुद को समझने लगोगे ना तो फिर आपको उनकी भी कामना समझ में आने लगेगी कि वो क्यों आपसे जुड़े हैं, क्योंकि इस दुनिया में बिना अपने आप को जाने, बिना आत्मज्ञान के निष्कामता होती ही नहीं है। कोई भी निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता, कोई बिना स्वार्थ के किसी से जुड़ ही नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को ना जाने और बिना जाने किसी के साथ निष्कामता रहे। वो कहीं ना कहीं छुपी हुई कामना रहती है जो इतनी आसानी से कभी कभी प्रकट नहीं होती है। ठीक है, ओके। तो आज के इतना ही समझेंगे, और आप दोनों ई बुक खरीद लीजिए और उसको पढ़िए, और पढ़ के फिर जो ना समझ में आए वो हम उस पर बात करेंगे, तो चीजें जल्दी स्पष्ट होंगी, है ना। जैसे धीरे धीरे चलेंगे तो ऐसे ही धीरे धीरे स्पष्ट होगी। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। मेरा ये मिशन है जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में है, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।